हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अपनी फ्रेंड साथ गई थी सुंदर नर्सरी एंड मेरी फ़ोन में गैलरी में काफ़ी सारी वीडियोस क्लिप हैं, तो मैंने सोचा कि एक व्लॉग आप लोगों के लिए बना दिया जाए। तो जेएलएन स्टेडियम सबसे पास मेट्रो स्टेशन था, उसके बाद हमने रिक्शा किया सुंदर नर्सरी तक जाने के लिए। अगर मैं नर्सरी के बारे में बताऊँ तो उसका पुराना नाम आज़िम बाग है, जिसे हम बागे आज़िम भी बोल सकते हैं। एंड ये एक 16th century का हेरिटेज पार्क है। अगर आप लोग हुमायूं टॉम्ब गए हो तो आपको पता होगा, क्योंकि हुमायूं टॉम्ब के जस्ट एडजेसेंट में है, बिल्कुल सामने है। या फिर अगर आपका कभी जाने का प्लान बने तो हुमायूं टॉम्ब जाने का, तो आप सुंदर नर्सरी ज़रूर जा सकते हो। सुंदर नर्सरी इज़ ऑल्सो लिस्टेड इन वन ऑफ द यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन दिल्ली। इस टाइम सुंदर नर्सरी में 300 तरह से ज़्यादा के ट्रीज़ अवेलेबल हैं। एंड ये इसका रेनोवेशन का काम हुआ था इन 2007 में शुरू, जो कि ख़त्म हुआ था 21 फरवरी 2018 में। उसके बाद इसे रीस्टोर किया गया है, बहुत अच्छे से बनाया गया है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में बनाई तो ब्रिटिश रूल के टाइम पे गई थी, बट अब इसे रीस्टोर किया गया है एंड बहुत बहुत प्यारा माहौल है। अगर आपको फैमिली पिकनिक करनी है, कोई जर्नलिज्म का या मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हो, आप फोटोग्राफर हो, तो ये प्लेस आपके लिए बहुत ज़्यादा एप्ट है फॉर योर प्रोजेक्ट वर्क। या फिर फैमिली पिकनिक, काफ़ी सारी गैदरिंग थी, एक पिकनिक का एक ये बहुत अच्छा स्पॉट है अगर आप नेचर के पास में रहना चाहते हो तो, क्योंकि बहुत प्यारा माहौल था एंड जो फील थी ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा अलग थी।